अगर लोग मुझसे ये सवाल करें कि तुम्हारे दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है, तो मैं कहूँगा हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। दिल चाहता है कि मेरे सर पर घने बाल उगाएं, मैं फिर एक बार जवान हो जाऊं। दिल चाहता है कि मैं टॉलस्टॉय के वॉर एंड पीस जैसा नॉवेल लिख दूं। दिल चाहता है कि मैं एक ऐसा फिल्म बनाऊं कि जिसका सारी दुनिया में चर्चा हो जाए। ये भी दिल चाहता है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाऊं, स्पूतनिक पर बैठकर चांद की सैर कराऊं। दिल चाहता है कि मेरा एक छोटा सा कमरा हो, ख़ास कमरा हो, चारों तरफ किताबों की अलमारियां हों, एक रेडियोग्राम हो ताकि दुनिया की बेहतरीन म्यूज़िक से लुत्फंदोज हो सकूं, ज़मीन पर चटाई का फर्श हो और बैठने के लिए गद्दा हो, बिजली का समावार हो जिसमें हर वक्त चाय बनती रहे। आवाज से इस प्रोग्राम को सहरंगेज बना रही थी रेनी सिंह, जोरदार तालियों के साथ इनका शोबे जर्नलिज्म के तलबा इनकी खिदमत में गुल पेश करेंगे, तालियां उनके लिए भी। मैं उनसे भी ख्वाहिश करती हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। उल्फत आरा, हिरा आफ्ताब, दानिश खान, मोहम्मद फैज, ये हमारे तलबा हैं। एक के बाद दीगर वो गुल पेश करेंगे। ख्वाहिश करती हूँ कि वो हमारे तालिब इल्म से गुलदस्ता कबूल करें। शुक्रिया बच्चों। इस छोटी सी रस्म के बाद हदिया तशक्कुर के लिए मैं एक्सीलेंसी गवर्नर ऑफ उत्तराखंड, इज्जत बाब मोहतरमा डॉक्टर सैयदा सैयदैन हमीद साहिबा, मेंबर प्लानिंग कमीशन एंड चांसलर मौलाना आजाद निशा उर्दू यूनिवर्सिटी, प्रो वाइस चांसलर ख्वाजा मोहम्मद शाहिद साहब, रजिस्ट्रार प्रोफेसर रहमतुल्ला साहब, वहाब कैसर साहब, यूनिवर्सिटी के दीगर प्रोफेसरान एंड ऑफिसर्स, तलबा और तालिबात, मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही मैं आज के इस प्रोग्राम में जो दिल्ली से हमारी टीम आई हुई है, हम की मिसेस जकिया जहीर और उनकी सारी टीम, रेनी सिंह, हर्ष कपूर और अनवर अब्बास साहब, सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। रज़ा मेहदी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ ही साथ मैं इस दो दिन के सेनेटरी सेलिब्रेशन को स्पॉन्सर्ड करने के लिए इफ़को और साथ ही साथ सेल और दूसरी जो हमारी टीम है ONGC, उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए अपना ताउन किया। एक बार फिर मैं इस प्रोग्राम में आज जो शहर से लोग आए हैं, पद्मश्री मुस्तफ़ा हुसैन साहब, बेग एहसास साहब और यूनिवर्सिटी के दूसरे जो और शहर से लोग आए हूँ, सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मीडिया के जितने भी लोग आए हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे लास्ट में मैं अपने इज्जत माँ वाइस चांसलर मोहम्मद मियाँ साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिनकी वजह से ये प्रोग्राम मुमकिन हो सका। उन्हीं की सारी कोशिशों का ये नतीजा है कि आज हमने ये पहले दिन का प्रोग्राम सक्सेसफुल किया है और दूसरे दिन भी हम प्रोग्राम में आपका सभी का ताउन चाहते हैं कि इसी तरह कामयाब हो। इसके साथ ही साथ दिल्ली से डॉक्टर सईद आलम, जो उनकी टीम आई हुई है, और हैदराबाद से डॉक्टर मिस्टर सुधाकर वाजा, जो कि 3:30 बजे कोलाज बेस्ड प्रेजेंटेशन करेंगे, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ मैं इस पूरे प्रोग्राम में जितने भी यूनिवर्सिटी के तमाम लोग लगे हूँ, मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इस टीम के चेयरमैन प्रोफेसर ख्वाजा अहमद शाहिद साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमें वक्त वक्त पे अपना डायरेक्शन दिया प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए। और मैं सारे टीम के, इस कमेटी के जो मौलाना आज़ाद ख्वाजा अहमद अब्बास कमेटी के जितने भी मेम्बर्स हैं, मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। एक बार फिर मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जी। हाँ, इसके बाद नेशनल एंथम परफॉर्म होगा, मेरी गुजारिश है आप लोग सब लोग खड़े हो जाएं और उसके बाद आप लोग जाएंगे।
Shoot.